राजधानी रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली रवाना होने से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भाजपा के द्वारा हमारे कांग्रेस विधायकों से फोन पर संपर्क किया जा रहा है, साथ ही लोकसभा टिकट और मंत्री पद देने की बात कही जा रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की घटनाएं इस बात की ओर संकेत देती हैं कि भाजपा 2024 इलेक्शन को लेकर डरी सहमी हुई है और इस कारण से तोड़फोड़ कर रही है। इसी क्रम में भूपेश बघेल ने करवर्धा में घटित हुई नक्सली घटना को लेकर कहा कि कनेक्शन किसी का भी निकले, लेकिन जो कार्रवाई बनती है वो करे। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। मुझे भी उस दिन विधानसभा में एक विधायक ने बताया कि उनके पास भी उनसे मुलाकात की, उसे लोकसभा देने की और उसके बाद उसके सरकार बनी तो फिर मंत्री बनाएंगे, इस प्रकार के बातें लगातार चल रही है। और इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है 2024 के इलेक्शन को लेकर, और यही कारण है कि चाहे वो बिहार की घटनाक्रम हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, ये सारी घटनाएँ इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं और चीख चीख के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में हारने वाली है और इस कारण से तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा इनको नहीं रहा, ये स्पष्ट हो रहा है। मुझे भी उस दिन विधानसभा में एक विधायक ने बताया कि उनके पास भी उनसे मुलाकात की, उसे लोग कनेक्शन निकले, उसमें जो कार्रवाई करना करे, लेकिन जो बिरनपुर में जो घटना घटी और उसके बाद उसके पिता को आपने विधायक बनाया, वही घटना आपके कवर्धा में भी हुआ है, तो अब तो ये है कि विजय शर्मा को इस्तीफा देना चाहिए, उसके पिता को चुनाव लड़ाना चाहिए, पहले तो ये करे उसके साथ न्याय मिले। जो उन ईश्वर साहू को जो लाभ मिला है वही लाभ यादव परिवार को भी मिलना चाहिए।